वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास सिक्स का होरिजन, माय बुक ऑफ सोशल साइंस, बुक का नाम है, ठीक है। सेक्शन है जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसे सेक्शन होते हैं, तो जियोग्राफी वाला सेक्शन है, ठीक है। चैप्टर है फोर, जिसका नाम है मैप्स, और सबसे पहले देखने वाले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन एटलस कंटेन, एटलस के पास क्या चीजें होती हैं, पिक्चर्स, मैप्स, ग्लोब्स। आंसर है मैप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैप्स ड्रॉन अकॉर्डिंग टू, मैप्स ड्रॉन किए जाते हैं किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, या स्केल के हिसाब से। आंसर है स्केल के हिसाब से, ठीक है। स्केल का मतलब बेटा ये वो स्केल नहीं है जिससे आप ड्राइंग करते हैं, है ना, वो है ना लाइन खींच लेते हैं, है ना। स्केलिंग का मतलब होता है किसी चीज को उसी रेशियो में बड़ा या छोटा करके दिखाना, ठीक। चलिए, व्हाट डज थीमेटिक मैप्स शो, थीमेटिक मैप्स जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, क्या दर्शाते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट दिखाते हैं, माउंटेन्स दिखाते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स दिखाते हैं। तो राइट आंसर है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए लार्ज स्केल मैप शो, एक लार्ज स्केल मैप क्या दिखाता है। आंसर, क्या स्मॉल एरिया विद माइन्यूट डिटेल, छोटे से एरिया की छोटी छोटी सारी डिटेल दिखाएंगे, लार्ज एरिया बड़े एरिया की माइन्यूट डिटेल सारी छोटी एक से एक छोटी डिटेल दिखाएंगे, और स्मॉल एरिया विद लेस डिटेल, छोटा सा एरिया और उसकी कम डिटेल दिखाएंगे। आंसर है लार्ज एरिया विद माइन्यूट डिटेल्स। नेक्स्ट, व्हाट डज ए कंपास शो, कंपास क्या शो करता है, सिंबल्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन। क्या है राइट आंसर, डायरेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, इन ए वर्ल्ड मैप फिल इन द ब्लैंक्स इज शोन, एक वर्ल्ड मैप में क्या चीज दिखाई जाती है। राइट आंसर है माइन्यूट डिटेल्स दिखाई जाती है वर्ल्ड मैप में। नेक्स्ट, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ड्रॉइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है इज ए ड्रॉइंग ऑफ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया की ड्रॉइंग है लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, तो उसको क्या कहते हैं, राइट आंसर है मैप कहते हैं। नेक्स्ट, ए रफ ड्रॉइंग ड्रॉन विदाउट स्केल इज, एक जो रफ ड्रॉइंग बना लेते हैं मतलब नाप तोल के नहीं बनाते हैं, रफ ड्रॉइंग जो बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं। आंसर है स्केच, क्या कहते हैं बेटा, स्केच। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज सुटेबल फॉर शोइंग रूम्स एंड बिल्डिंग्स, ये शो करता है रूम्स को, बिल्डिंग्स को, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें शो करता है, क्या कहते हैं उसको, राइट आंसर है प्लान, क्या कहते हैं, प्लान। नेक्स्ट, ए पर्सन हु मेक्स मैप्स इज नोन एज, एक पर्सन जो मैप बनाता है उस पर्सन को क्या कहते हैं बेटा। आंसर है कार्टोग्राफर, क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत प्यारे लगते हैं, जल्दी से इसका आंसर भी दे देते हैं वो, है ना। चलिए जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्केच इज ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, जो स्केच होता है क्या वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है नाप तोल के, है ना। राइट आंसर है फॉल्स, कि ये गलत बात है। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल मैप शोज ए लार्ज एरिया विद फ्यूअर डिटेल, जो स्मॉल स्केल का मैप होता है वो लार्ज एरिया को दिखाता है और थोड़ी बहुत डिटेल दिखाता है, क्या सही बात है, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द फोर डायरेक्शंस दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स, जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हैं इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स के नाम जानते हैं, इन चारों दिशाओं को, क्या सही है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एक कंपास हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस, एक कंपास हेल्प करती है हमें डिस्टेंस नापने में, डिस्टेंस मेजर करने में बिटवीन टू प्लेसेस, तो कंपास से क्या डिस्टेंस नापने का काम करते हैं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्या है बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट, उससे तो डायरेक्शन पता लगाने का काम करते हैं ना। चलिए, नॉर्थ लाइन इज ऑलवेज गिवन एट द टॉप राइट साइड ऑफ द मैप, जो नॉर्थ लाइन होती है वो हमेशा होती है टॉप ऑफ द राइट साइड, राइट साइड के टॉप पे होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डी डिफाइन द फॉलोइंग गिवन टर्म्स, ठीक है, तो डिफाइन करना है फॉलोइंग गिवन टर्म्स को, चलिए जानते हैं, एटलस को डिफाइन करना है, कार्टियोग्राफी को डिफाइन करना, आपको डिफाइन करना है। चलिए, एटलस क्या होता है बेटा, एक कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुक,
मैप्स का कलेक्शन है जो कि एक बुक की फॉर्म में होता है, जैसे आपकी पढ़ने की बुक होती है, एसएसटी की बुक हो गई है ना, साइंस की बुक हो गई, तो इस तरह से। कार्टोग्राफी क्या होती है बेटा? द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी, यानी कि ये साइंस है, ये विज्ञान है किसका? मैप मेकिंग का, इज नोन एज कार्टोग्राफी। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, अंतर बताना, डिफ्रेंशिएट करना मैप में, ग्लोब में, प्लान में और स्केच में। चलिए जानते हैं, ग्लोब और मैप की बात करते हैं पहले। ए ग्लोब इज थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ, जो ग्लोब होता है थ्री डायमेंशनल होता है, लैंड, विड्थ, हाइट, सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है, किसका? अर्थ का। ए मैप इज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ये भी है अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये टू डायमेंशन, यानी ये थ्री डायमेंशन होता है, ये टू डायमेंशन होता है। चलिए, ग्लोब शोज वेरी फ्यू डिटेल, ग्लोब बहुत कम डिटेल्स दिखाता है, मैप कैन शो लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स, ये ज्यादा डिटेल्स बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोब शोज द शेप एंड साइज ऑफ कंट्रीज एक्यूरेटली, ग्लोब जो होता है कंट्रीज की शेप साइज को एक्यूरेटली ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है, जबकि मैप क्या करता है, द शेप एंड साइज ऑफ कंट्रीज गेट डिस्टोर्टेड इन मैप, शेप एंड साइज जो होता है कंट्रीज का वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, ठीक है, डिस्टोर्ट से मतलब मुड़ा तुड़ा दाएं बाएं ऐसे हो जाता है थोड़ा। नेक्स्ट, ग्लोब की बात करते हैं, इट इज कन्वीनियंट टू कैरी ए ग्लोब, ग्लोब को ले जाना क्या है, आसान होता है क्या, ठीक है, इट इज इनकन्वीनियंट, ठीक है, आसान नहीं होता है, इट इज ईजी टू कैरी मैप, मैप को कैरी करके ले जाना, बैग में रख के ले जाइए, ठीक है, लेकिन ग्लोब को भाई गोल होता है तो उसको है ना कैरी करके ले जाना बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। चलिए अब बात करते हैं प्लान एंड स्केच की, क्या होते हैं? इट द डिटेल ड्रॉइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, डिटेल ड्राइंग है किसकी, छोटे से एरिया की, बिल्डिंग की, स्कूल की, प्लेग्राउंड की, एक्सेट्रा, इस कॉल्ड प्लान, जिसको हम प्लान कहते हैं, ठीक है। और स्केच क्या है? स्केच इज ए रफ ड्राइंग, ये एक रफ ड्राइंग है बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पर्सन, और किस आधार पर बनाई जाती है, मेमोरी, जो कुछ पुरानी चीजें याद रह गई, ऑब्जर्वेशन, जो कुछ आपने देखा होगा तो वैसा लिख दिया उसमें, है ना, उस स्केच कर दिया, ड्राइंग कर दी। टू, इट इज ट्रू टू स्केल, ट्रू टू स्केल मतलब स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, यानी सपोज करो कोई चीज आपने देखी, सपोज करो वो 1 मीटर की है, तो 1 मीटर की चीज भाई आप है ना प्लान पे तो कैसे बनाएंगे भाई, उसको छोटा करके बनाएंगे, ये तुमने कोई 50 किलोमीटर की चीज है, लंबी है दूरी इतनी, तो 50 किलोमीटर थोड़ी बना दोगे बेटा, उसको उसी रेशियो में छोटा करना पड़ेगा, सपोज करो आपने 5 सेंटीमीटर की बना दी तो उसी रेशियो में उसको छोटा करना है ना, तो स्केल के अकॉर्डिंग ही होता है, तो यानी छोटी होगी तो फिर सारी चीजें उतनी ही रेशियो में छोटी हो जाएंगी या बड़ी भी हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, इट इज नाइदर ट्रू टू स्केल नॉर एक्यूरेट, ना तो ये स्केल के अकॉर्डिंग ट्रू होता है और ना ही एक्यूरेट होता है, ठीक है। थर्ड, ए प्लान शोज द माइन्यूट डिटेल्स सच एज लेआउट ऑफ वेरियस रूम्स एंड स्पेसेस, देयर लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, यानी कि प्लान, जैसे आप कोई अपना घर बनवा रहे हैं तो इतने है ना, इतने बाई इतने का ये कमरा होगा, इतनी लेंथ, इतनी विड्थ का, ठीक है, यहाँ पे किचन रहेगी, यहाँ पे टॉयलेट रहेगी, यहाँ पे सीढ़ियां रहेंगी, इस तरह से, तो एग्जैक्ट है ना। जबकि स्केच में क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बताएंगे भाई, पेट्रोल पंप के बगल में है या ऐसे, है ना, बिल्डिंग्स बताएंगे कोई, ठीक है, कि भाई उन लाला जी की दुकान है या ऐसे करके, स्ट्रीट, कोई फेमस सड़क बताएंगे, कोई फेमस प्लेस बताएंगे, या इस ग्राउंड के पास है ना, गार्डन के पास, रफली भी ड्रॉन ऑन इट, और रफली उस पर ड्रॉ की जाती है, तो लैंड बिल्ड उसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्केल, स्केल का क्या मीनिंग होता है, जानते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल साइज ऑन द ग्राउंड इज नोन एज स्केल, तो ये कह रहा है रिलेशन है एक, किसमें, डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पे जो डिस्टेंस आपने दिखाई है, एंड द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिटेल्स, डिस्टेंस यानी मैप पे आपने सपोज करो 5 सेंटीमीटर दिखाया है, और उधर हो रहा है ना एक्चुअल में है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, यानी आपने 10 गुना 100 गुना 1,00,000 गुना 1,00,000 गुना ऐसे किसी चीज को जिस रेशियो में आप बढ़ा घटा रहे हैं, तो रिलेशनशिप हो गया इनमें, तो इसको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज स्केल, तो इसको कहते हैं कि इसकी स्केलिंग कर दी हमने, क्या कर दिया भाई, 50 को 5 कर दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, स्केलिंग कर दी, ये छोटा भी हो सकता है बेटा, बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट, वाई आर सिंबल्स यूज इन मैप, कुछ सिंबल्स हैं जो मैप में यूज किए जाते हैं, तो क्यों हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं, जानते हैं। वेरियस फीचर्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स, देयर एक्चुअल शेप एंड साइज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है,
क्योंकि बहुत सारी फीचर ऐसी हैं जैसे कि ट्रीज, पेड़ पौधे, तो पूरा का पेड़ ला के क्या मैप पे या कि इन सारी चीज़ों पर रख दोगे, प्लान पे, ग्लोब पे रख दोगे क्या? आप नहीं रख सकते, ठीक है। उनका साइज इतना बड़ा या छोटा, या माइक्रो ऑर्गेन जिनको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं आप, उसको है ना वहाँ पे बना कर भाई ड्रॉ करोगे आप, तो वो तो अपनी साइज से बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे बड़ी चीज़ को छोटा करना पड़ता है, छोटी चीज़ को बड़ा करना पड़ता है ना, आर नॉट पॉसिबल। तो उनके एक्चुअल शेप साइज बनाना पॉसिबल नहीं है। टू बी पुट ऑन मैप, मैप पे रख पाना। टू ओवरकम दिस विद दिस डिफिकल्टी, तो इस डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए सिंबल्स आर यूज, क्या करते हैं सिंबल। तो ट्री बनाना है जैसे मैप पे, तो आपने क्या किया, ये देखो है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक ट्री बना दिया, ठीक है। तो ये इतना भाई ट्री इतना बड़ा थोड़ी होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हमने बना दिया बस। नेक्स्ट, वॉट आर द फीचर्स ऑफ ए ग्लोब, ग्लोब की क्या क्या फीचर्स होती हैं जानते हैं। इट इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है। इट शोज द शेप्स एंड साइज ऑफ कंट्री एक्यूरेटली, ये कंट्री देशों की जो शेप साइज होती है वो लगभग एक्यूरेट दिखाता है, बहुत एक्यूरेट दिखाता है, बाकी सबसे एक्यूरेट। ग्लोब्स आर इमेंसली यूजफुल बाई स्टडिंग अबाउट द अर्थ सच एज कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, स्टेट, सिटी। ग्लोब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम स्टडी कर रहे होते हैं अर्थ के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, माउंटेन्स, स्टेट, यानी बड़ी बड़ी जगहों के बारे में डिस्कस जब कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। फोर्थ, इट गिव्स द एग्जैक्ट लेआउट ऑफ द प्लैनेट, ये प्लैनेट का एग्जैक्ट लेआउट एक दे देता है हमको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मैप, एक मैप क्या होता है। नेम द डिफरेंट मैप्स, और अलग अलग तरह के मैप्स के नाम बताने हैं ओनली। नेक्स्ट, ए मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो कह रहा है मैप, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की सरफेस का। ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की जितनी भी फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं ड्रॉन, उनको ड्रॉ किया जाता है फ्लैट सरफेस पे, जैसे पेपर पे है ना, इन पे ड्रॉ किया जाता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप, तीन टाइप के मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। तो आपके घर में कौन सा वाला मैप है ना। तो जिन बच्चों के घर में मैप नहीं है, तो बच्चों आपको एक ना एक कोई ना कोई मैप जरूर रखना चाहिए है ना, खासकर फिजिकल वाला मैप, ठीक है, आप रखें, पॉलिटिकल वाला मैप रखें तो बेहतर है। और उसको डेली दो मिनट तीन मिनट आप देखा करें, बस ऑब्जर्व किया करें, देखते देखते जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज उनकी हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, Elaborate the different types of map. अलग अलग टाइप के मैप्स को बताइए, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। चलिए पहले देखते हैं पॉलिटिकल मैप क्या होता है। These maps clearly show the boundaries and areas of different countries and state. तो भाई जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, अलग अलग देशों की सीमाएं, बाउंड्रीज, ये सब बताते हैं, स्टेट बताते हैं, स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है। They also show the capitals of country, देशों की राजधानियाँ, ठीक है, मेजर टाउन, बड़े शहर है ना, एंड सिटीज के बारे में बताते हैं। These maps are also used for showing various cultural, historical, political and commercial places. तो ये जो maps होते हैं also used for showing various culture. तो ये आपको दिखाते हैं अलग अलग type के culture, historical, political and commercial places. ठीक है, जैसे इंडिया में भाई, ठीक है, क्या दिखाएंगे आपको, ठीक है भाई, ताजमहल बताएंगे, लाल किला बताएंगे आपको, ठीक है, सरदार पटेल की स्टैचू कहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल मैप्स की बात करते हैं। द मैप विच शोज फिजिकल फीचर्स सच एज, ये फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कौन कौन सी, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ, अर्थ के, आर नोन एज फिजिकल और रिलीफ मैप, इनको फिजिकल और रिलीफ मैप कहते हैं। दीज मैप्स कैन शो ग्रेट डिटेल्स, ठीक है, ये मैप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी महान महान डिटेल बताते हैं थ्रू द यूजेज ऑफ कलर, कलर के तू, जैसे कहीं पे वाटर है तो उसको ब्लू कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से है ना, जंगल है तो उसको ग्रीन कर दिया, वेरिएशन एंड इवन थ्री डायमेंशनल व्यू, कभी कभी तो थ्री डायमेंशनल व्यू भी दिखा देते हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एन एरिया ऑफ लैंड विद इट्स नेचुरल फीचर्स, दीज एरिया आर वेरी हेल्पफुल, है ना, दीज आर वेरी हेल्पफुल, ये बहुत सहायक होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में एरिया, किसी एरिया को ऑफ लैंड विद नेचुरल फीचर, वहां पे क्या क्या नेचुरल फीचर्स अवेलेबल है। वी कैन आइडेंटिफाई लैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जमीन को, लैंड्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हमें कहीं पे ब्रिज मतलब डैम बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनानी है, रेलवेज बनानी है, तो हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे ये पूरा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आता है थीमेटिक मैप्स, ये क्या होते हैं, द मैप्स दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर ओनली,
जो कुछ स्पेशल टाइप के फीचर बताते हैं, है ना, सच है जैसे कि टाइप्स ऑफ वेदर, यहाँ का मौसम कैसा, डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कहाँ कहाँ पे कौन से जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पे कोकोनट पाया जाता है, कहाँ के सुंदरबन पाए जाते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज के बारे में, प्यूपिल मिनरल्स के बारे में, प्यूपिल के लोगों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, आर नोन एज थीमेटिक मैप। तो ये पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हैं कि हम बस यही चीज दिखाएंगे, है ना। थीमेटिक मैप्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप, ये फिर से तीन टाइप में बटा हुआ, ठीक है, क्या, क्लाइमेट मैप में बटा हुआ, जैसे दीज मैप शो टेम्परेचर्स, क्लाउड कवरेज, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बस ये चीजें, यही चीज, मतलब ये क्लाइमेट वाला मैप ये क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों को दिखाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या करता है, दीज मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे कि फसलों का, यानी कहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है, कहाँ पे गन्ना ज्यादा होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने लगता है, मिनरल्स का, नेचुरल वेजिटेशन का, पॉपुलेशन का, एक्सेट्रा। सर्वे मैप क्या करता है भाई, दीज मैप शो ए स्मॉल एरिया विद माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल बताता है, किसके बारे में, सड़कों के बारे में, पोस्ट ऑफिसेस के बारे में, स्कूल्स, पार्क के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंबल्स ऑन मैप्स, मैप पे जो हम सिंबल यूज करते हैं उनका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, जानते हैं। सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और फीचर ऑन मैप, तो सिंबल्स का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और फीचर्स ऑन मैप, मैप पे, ठीक है। सो सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट फीचर और फीचर्स ऑन मैप, ऑब्जेक्ट को या उसकी फीचर को मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। सिंबल्स कैन बी स्मॉल आइकॉन्स, ये छोटे छोटे आइकॉन हो सकते हैं, लेटर्स होते हो सकते हैं, लाइन्स हो सकती हैं, जैसे रेलवे के लिए हम लाइन्स दिखा देते हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड पिक्चर्स हो सकती हैं, विच शो द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, उस पर्टिकुलर थिंग की लोकेशन आपको बताता है जो, ठीक। डिफरेंट कलर्स आर ऑल्सो यूज टू शो डिफरेंट फीचर, अलग कलर, अलग अलग कलर, अलग अलग फीचर्स दिखाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर मार्क ऑन द मैप इन द ब्लू कलर, है ना, पानी को किससे, ब्लू कलर से दिखाते हैं, अगर कहीं ब्लू कलर है तो समझो वहां पे पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। माउंटेन्स आर डेपिक्टेड इन ब्राउन कलर, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से दिखाया जाता है, प्लेन्स इन ग्रीन कलर, प्लेन्स जो होते हैं उनको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप, है ना, तो कह रहा है एक ब्रीफ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए, है ना, मैप के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए इसको, देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैप्स, मैप्स के कंपोनेंट क्या है, टाइटल, सबसे पहले टाइटल होगा, इसमें क्या होता है, इट इंडिकेट अबाउट व्हाट द मैप इज, ये बताता है कि मैप है क्या, जैसे कि मैप टाइटल, ठीक है, जैसे टाइटल क्या क्या होते हैं, फिजिकल मैप, कि भाई ये फिजिकल मैप है, तो ये मैप फिजिकल के बारे में बताएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट डिफरेंट नेचुरल और फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल और फिजिकल डिविजन ऑफ द वर्ल्ड को, यानी वो फिजिकल से ही रिलेटेड टाइटल है, तो उसी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसमें, जैसे ये, मतलब ये समझिए जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, तो ये हेडिंग टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैप स्केल्स, मैप की स्केल क्या होती है, डिस्टेंस ऑन मैप इज शोन बाय स्केल, इसको हम स्केल से शो करते हैं, कैसे, टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द एरियाज देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ताकि अब देखो बेटा, जैसे सपोज करो भाई हमारा कोई प्लेस है ए और बी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, कितनी है 1000 किलोमीटर, तो आपने क्या किया 1000 किलोमीटर को, है ना, 1 सेंटीमीटर से दिखा दिया, ठीक है, ये है ना, ये 10 सेंटीमीटर से दिखा दिया, तो हमने क्या किया इस रेशियो में, इसको क्या कर लिया, स्केलिंग कर लिए। अब कोई अगर 500 किलोमीटर होगा तो उसको उसका हाफ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 1000 वाले से हाफ डिस्टेंस पे दिखाएंगे, तो ये कहते हैं कि भाई इन चीजों का स्केलिंग हो गई है। नेक्स्ट, डायरेक्शन, इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द मैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी हैव फोर मेजर डायरेक्शन, हमारे पास चार मेजर डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपास की। इट इज यूज टू फाइंड मेन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिंबल्स यूज टू शो वेरियस फिजिकल फीचर, ये जो सिंबल्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स जो होती हैं उनको शो करने के लिए यूज करते हैं, विद डिफरेंट सिंबल, अलग अलग सिंबल, सब ये नहीं सबको एक ही सिंबल से दिखा दिया, ठीक। नेक्स्ट, मैप की और लीजेंड, मैप की और लीजेंड ये क्या होते हैं, इट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल, यानी यहां पे जैसे कि आप कोई किसी पे करते हैं ना क्वेश्चन को करते करते उस पर स्टार लगा लिया कुछ और उसका मतलब स्टार का नीचे लिख देते हैं कि भाई स्टार का मतलब ये है, तो ऐसे यहां पे कुछ मीनिंग होते हैं इनके, ठीक है, ईच सिंबल, हर सिंबल का, जैसे कि कलर, शेप्स,
lines given on map. तो वहां पे लिख देते हैं नीचे कि भाई इस लाइन का मतलब ये रेलवे ट्रैक होता है, इसका मतलब क्या कहते हैं बस वाली रोड होता है, इस तरह से आप लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप। तो अब आपको अंतर बताना है लार्ज स्केल मैप्स में और स्मॉल स्केल मैप्स में डिफरेंस बताना है। चलिए, स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं? When a larger area are represented on small map, यानी बड़े एरिया को जब छोटी जगह में दिखाना होता है तो उसको है ना कि on a small map, it is said to be small scale map. तो उसको क्या कहते हैं? Small scale. यानी बड़ी चीजों को small करके दिखाना, ये small scale map कहलाता है, map पे दिखाना है ना। इसका जब रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, large scale map, if a part of city है ना, city का कोई हिस्सा, town का, village का is represented on a map, इट इज नोन एज लार्ज स्केल मैप। अब भाई छोटी चीज को बड़ा करके ज्यादा एरिया में दिखाना, ठीक है, किस पे? मैप पे, तो इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन ए स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, स्मॉल स्केल मैप में वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन कुड बी प्रोवाइडेड, तो बहुत ज्यादा आप डिस्क्रिप्टिव नहीं बना सकते इसको, तो उसकी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट किया जाता है, थोड़ा लिमिटेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैप ऑफ is a small scale map, ठीक है, example है ना, तो the map of is, ठीक है, तो भाई किसका map रह गया, तो ये आप कहेंगे map of India, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए map of world लिख दीजिए, है ना, map of world, ठीक है, is small scale map, ये क्या होता है small scale map। अब यहाँ पे on a large scale map, information can be given in greater detail, ज्यादा detail में यहाँ पे information दी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपने देखा, तो ये यहाँ पे जैसे कोई छोटा सा हिस्सा अपने घर का, एक पर्टिकुलर रूम का मैप बना दें आप पूरा, है ना, इस तरह से हो सकता है। चलिए, तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है कि नहीं, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरह से हमें बताइएगा कि आप किस स्कूल से है ना कनेक्टेड हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, और हमें कौन सी बुक चल रही, किसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दीजिए और बताइए हमें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट।